आयरन मैन के एआई से ज्यादा खतरनाक ब्लू बीटल का एआई है। सुनकर अजीब लगाना, लेकिन हाँ सच्चाई ये है। चलो प्रूफ दे देता हूँ। तो फ्राइडे जार्विस को ले लो, ये दोनों इंसान को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं और टोनी स्टार को फॉलो भी करते हैं। टोनी स्टार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन टोनी स्टार को बचाने के लिए कभी भी पब्लिक पे या सिविलियन पे हमला ये लोग नहीं कर सकते। लेकिन वहीं पे बात करें ब्लू बीटल के एआई के बारे में, तो भाई साहब ये अपने होस्ट को बचाने के लिए ना किसी का भी गार्ड फाड़ सकते हैं। ये बस वाले सीन में तुम साफ साफ देख सकते हो, जब यहाँ पे इसके होस्ट पे खतरा आता है तो ये कुछ भी नहीं देखती। वहां पे होस्ट को वो उड़ा भी सकती थी, लेकिन वो सीधा एक शील्ड बनाती है जिससे बस को बीच से फाड़ देती है। यानी कि उस बस के बीच में यदि कोई खड़ा भी होता तो भाई उसको भी बीच से फाड़ देती है। तो इससे ये पता चल जाता है कि आयरन मैन के एआई प्रोटेक्ट कर सकती है अपने होस्ट को और प्रोटेक्ट कर सकती है पब्लिक को। लेकिन बात करें ब्लू बीटल का एआई का, तो अपने होस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए या किसी का भी फाड़ सकती है। तो इसीलिए